दिवाली का त्योहार मनाया और ऐसे में हमने घर में पकवान भी बनाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने नमकीन, मीठे कई सारे पकवान बनाए होंगे। आज हम ऐसी बनाएंगे रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आएगी। अक्सर हम लोग जब कोई भी टाइप की मठरी खाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अचार के साथ खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और मैं ये कहूँ कि इस मठरी के अंदर ही हम अचार भर देते तो कैसा लगेगा, तो आपको बेहद अच्छा लगेगा। इस मठरी को आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस मठरी को बनाने के लिए हमें उठा के अचार नहीं डालनी है, लेकिन उसके जैसे मसाले डालने हैं। मसालों में क्या करना है, क्या नहीं डालना है, क्या डालना है, तो बहुत सारी बारीकियां हैं, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसानी से इस मठरी को बना लेंगे। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। एक टेबल स्पून भर के मैंने सूखी साबुत धनिया लिए हैं, एक टेबल स्पून जीरा लिया है, एक टेबल स्पून पीली राई ली है, चाहे कुटी हुई हो या दरदरी हो, आधा टेबल स्पून काली मिर्चें डाली है, एक टेबल स्पून सौंफ डाली है। ये सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में सरसों का तेल डाला है, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून कलौंजी डाली है। कलौंजी को पीसना नहीं है और मेथी दाना हमें नहीं डालना है, क्योंकि उससे कड़वी हो जाएगी, तो आप वो मत डालिए, बाकी चीजें डालिए। अब हमने जो मसाले भुने उसे आप धीमी आंच पर इसमें भूनते जाइए। जब ये मसाले भुन जाए, इसकी खुशबू आने लगे, तब आप इसमें 2-3 टेबल स्पून भर के बेसन डाल दीजिए। बेसन डालने से इस मसाले में बाइंडिंग आएगी। आपके पास बेसन डालना है तो बेसन डाल सकते हो, नहीं तो हमारे घर में कई बार रखा हुआ नमकीन चिवड़ा होता है या सेव वगैरह होता है, पापड़ी होती है, उसे भी ग्राइंड करके डाल सकते हो, और तो और भुने चने भी ग्राइंड करके डाल सकते हो। तब आप ज्यादा न भूनो तो चलेगा, अगर बेसन डाला है तो आपको थोड़ा अच्छे से भूनना होगा। जब बेसन की अच्छी खुशबू आने लग जाए किचन में, तभी आप आगे बढ़ेंगे इसमें और मसाले डालने में। मैंने इसमें दोनों टाइप का नमक डाल दिया है, जैसे काला नमक और सादा नमक। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए इस मसाले के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, अमचूर पाउडर 2 टीस्पून डाल दीजिए। बाकी मसाले हमें हल्दी वगैरह नहीं डालनी है, क्योंकि इससे मठरी पीली हो जाएगी। कुछ मेरे पास दाने हैं, वो है अजवाइन के, जो हम मैदे में डालेंगे। ये मसाले में थोड़ी सी गीलापन आए तो उसके लिए आपको डालना है या तो घर में बनी हुई हरी चटनी 2 चम्मच डाल दीजिए, नहीं है तो 2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, या फिर इमली का पल्प डाल दीजिए, जो भी आपको मन करे। कुछ भी नहीं है तो पानी के छींटे डाल दीजिए, जिससे ये मसाले सारे अच्छे से पक जाए और थोड़े से उनमें गीलापन भी आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका मैदा बनाने के लिए। आप चाहे तो आटे से भी इस मठरी को बना सकते हैं, पर अभी हाल ही में मैं हरिद्वार उत्तराखंड गई थी, वहाँ में मुझे मेरी दीदी ने मुझे मठरी दी, तो मुझे ना बड़ी पसंद आई। तो कहाँ से मंगाई थी मुझे भी नहीं पता, बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये मठरी मैं आपके साथ शेयर करूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, जिसमें मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा न डालें क्योंकि अंदर मसाले काफ़ी अच्छे तीखे हैं। और इसमें डलेगा ऑयल, जो मोयन के लिए 1/4 कप, 2 कप में 1/4 कप मोयन डाल दें। ये खस्ता कचौड़ी की तरह बनेगी, मतलब आप इसे कचौड़ी भी समझ सकते हैं। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा प्रिक किया है तो ये मठरी बन गई। कोई आपकी मठरी फूल जाती है, समझ लीजिए वो कचौड़ियाँ हैं। तो ये लंबा टाइम चल सकती हैं कचौड़ियाँ। आप इसे बना के ठंडा करके एयरटाइट जार में रख देंगे, लंबा टाइम इसे खा सकते हो, बच्चों को बनाकर दे सकते हो, और तो और आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो, मेहमानों को सर्व कर सकते हो। तो इस दिवाली आप ये जरूर बनाइए। वैसे मठरियाँ, नमकीन, कई टाइप के मैंने आपके साथ शेयर किए, उन सबकी लिंक मैं दे दूँगी, आप उन्हें बनाकर ट्राई कीजिए। ये मोयन देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे नॉर्मल पानी से गूंथ लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, नॉर्मल गूंथना है। इस तरीके से मैंने डो बनाकर तैयार कर दिया। अब गीले कपड़े से मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। यहाँ मसाला भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर गुठले हो गए हैं तो आप इसे हल्का सा फिर से ग्राइंड कर सकते हो। वैसे गुठले नहीं हुए हैं, हाथ से चम्मच से मिक्स हो जाते हैं, ऐसे पाउडर नुमा हो गया है तो बस काफ़ी है। अब ये आपका बच भी जाए ना मिश्रण, तो आप आगे भी किसी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। इसकी पूरी बना सकते हो, फिर से इसकी मठरी बना सकते हो मैदा गूंथ के।
और मुझे यकीन है आपको इतनी पसंद आएगी, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये मसाला मेरा भी आधा ही लगा था, आधा मैंने रख दिया, बाद में मैं इसे ज़रूर बनाऊंगी। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए, कुल मिला के 2 कप से आप 30 लोइयां बना लीजिए। यहाँ मैं बेल के आपको दिखा रही हूँ कि हमें कैसे बेलना है। बेल कर आपको हल्का सा पानी लगाना है और इसमें 1-1 चम्मच मिश्रण भरना है। मिश्रण के ऊपर भी कुछ बूंदे पानी की जरूर डालिए जिससे वो टिका रहे, और इसे बंद कर दीजिए इस तरीके से। बांधते टाइम बस ध्यान रखिए, अगर मटरियाँ खुल गई तो बहुत गलत होगा, इसलिए आपको इस पे बस फोकस करना है कि इसे अच्छे से पानी लगा करना आपको बांधना है, और पतली ही बनानी है क्योंकि इससे मोटी आप बिल्कुल ना बनाएं। उसके बाद इसमें एक डिज़ाइन देनी है चारों तरफ, ये पहचान होती है, ये दिल्ली साइड बहुत मिलती हैं ये मटरियाँ, और बीच में काफ़ी अच्छे से प्रिक करोगे आप कांटे से, अंदर तक आप गहराई से इसके ऊपर प्रिक कीजिए। इस तरीके से डिज़ाइन बनी हुई होती है। चाहे आप मार्केट की कितनी भी चीज़ें क्यों ना लाएं महंगी महंगी, लेकिन घर के कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इसी तरीके से सारी मटरियाँ बना लीजिए और ऑयल को पहले गर्म कीजिए, मतलब मीडियम गर्म कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा गैस स्लो करके इसमें मटरियाँ डाल दीजिए। एक और बात, ये जो मटरियाँ हम डाल रहे हैं कम से कम 10-10, 12-12 एक टाइम में आप डाल दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने सही तरीके से बांधी है मटरियों को तो आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कोई प्रॉब्लम आएगा। एक आध मटरी फूलेगी को आपने अच्छे से अगर प्रिक नहीं किया है तो। आप चाहे तो इन मटरियों को सरसों के तेल में भी बना सकते हो, और तो और जो मोयन डाला था वो भी आप सरसों का तेल डाल सकते हो, पर उससे क्या होगा ना, मटरियों का कलर थोड़ा पीले टाइप में जला जाएगा, वो मैं नहीं चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। कलर भी बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर का आ गया है। इसी तरीके से आप बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनेंगी। आप एक हाथ देखो मटरी मेरी भी खुल रही है, इसका मतलब जिसको मैंने अच्छे से नहीं बांधा है तो थोड़ी सी खुल रही है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, बांधते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने देखिए इस तरीके से बनाई है पतली पतली, तब जाके ये डबल होके मोटी लग रही है। अब इससे भी ज़्यादा हम मोटा बेलते तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती, जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। तो इन छोटी छोटी ट्रिक को अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत बढ़िया मटरियाँ आप बना सकोगे। जो जो सीखती जा रही है वो आप निकालते जाइए। करीब करीब 30 पीस मटरी के बनकर तैयार हो गए हैं 2 कप मैदे से। और देखिए खस्ता कितनी है, जब आप इसे तोड़ेंगे तो बहुत ही टेस्टी अंदर से मसाला दिखेगा। मतलब मैं तारीफ क्या करूं, जब आप खुद बनाओगे तो खुद ही आप अपनी तारीफ करोगे, आपको वो यकीन ही नहीं होगा कि ये मटरियाँ आपने खुद बनाई हैं। हम यही चाहते हैं कि हर घर में इस तरीके की रेसिपीज बने। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, मेरे नए व्यूअर्स हो, तो आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे जुड़ेंगे।